हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज संपत एंड यू आर वाचिंग डिजिटल संपत। तो दोस्तों, आज हम लोग SEO के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है साइट मैप। नाउ ये साइट मैप होता क्या है? बेसिकली अगर आप कोई दुकान में बुक खरीदने जाते हो, क्या हमारे पास इतना टाइम रहता है कि हम लोग पूरा बुक को स्टडी कर ले? तो फिर बुक खरीदने का तो कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंडेक्स पेज को चेक करते हैं, जहाँ पे हम लोगों को ये डेटा मिल जाता है कि इस बुक में कौन कौन से चैप्टर्स को कवर किया गया है। सिमिलरली हम अगर वेबसाइट में काम कर रहे हैं, ये हम लोग एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म में कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी अगर गूगल में कोई आके सर्च कर रहा है और आपके वेबसाइट में वो डेटा है, अगर वो डेटा गूगल अपने डेटा सेंटर में स्टोर नहीं करता है, तो आपका वेबसाइट रैंक में आने का चांसेस ना के बराबर हो जाता है। तो वही वाला चीज़ आज हम लोग देखेंगे कि कैसे वेबसाइट में जो कंटेंट हम लोग रखते हैं, उस कंटेंट को हम लोग कैसे गूगल के डेटाबेस में अपडेट करते हैं, सो दैट कोई भी विजिटर्स जब गूगल में आके सर्च कर रहे हैं, उनको गूगल हमारे वेबसाइट का लिंक भी सर्च रिजल्ट्स में दिखाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो XML साइट मैप बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले एक साइट में जाएंगे। साइट का नाम है xml-sitemaps.com, ठीक है। तो यहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे जाके आपका वेबसाइट का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे आप आपका वेबसाइट का नाम यहाँ पे लिखोगे, जैसे ये वाला स्पेस जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वाला स्पेस में आपको आपका वेबसाइट का नाम देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जाके अपना वेबसाइट का नाम दे रहा हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट करना पड़ेगा। सो इस वेबसाइट का एक सबसे अच्छा फीचर ये है, एडवांटेज ये है कि हम लोगों को खुद से साइट मैप बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये वेबसाइट हमारे लिए साइट मैप खुद से बना दे रहे हैं, ठीक है। आपको सिंपली आके इस वेबसाइट में आपका वेबसाइट का नाम लिखना है और ये वेबसाइट आपके वेबसाइट के लिए एक साइट मैप बना देगा। जैसे साइट मैप बन जाता है, उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे व्यू साइट मैप डिटेल्स बोल के एक ऑप्शन आएगा, इसमें आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन आएगा, सो यहाँ पे आप डाउनलोड में क्लिक करोगे, साइट मैप आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक बार साइट मैप को देख लेते हैं, ये साइट मैप कैसे आया है। तो ये साइट मैप हम लोग अभी यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग का जो वेबसाइट है उस वेबसाइट को उसने चेक किया, चेक करके उसने खुद से एक साइट मैप बना दिया, ठीक है। तो आपके वेबसाइट में जो भी कैटेगरीज है, जो भी पेज पोस्ट जो भी है, वैसे अभी मेरा ये वेबसाइट में ज़्यादा कुछ है नहीं, दैट इज़ वाई आप देख रहे हो बहुत छोटा सा साइट मैप आ रहा है, ठीक है। तो साइट मैप आने के बाद यहाँ पे आपको इस साइट मैप को अपलोड करना पड़ेगा आपके वेबसाइट के मास्टर बैकएंड में, जिसको हम लोग cPanel के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अपने वेबसाइट के मास्टर बैकएंड में जाएंगे, वेबसाइट का नाम /cPanel लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग cPanel में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद सबसे पहला वाला ऑप्शन जो आ रहा है फाइल मैनेजर, ठीक है, आपको फाइल मैनेजर के अंदर जाना है, ओके। फाइल मैनेजर के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे साइट मैप का जो फाइल है उसको यहाँ पे आपको अपलोड करना है। जो मैंने यहाँ पे जो बनाया था वो स्पेस मिशंस के लिए बनाया था। ये जो cPanel आप देख रहे हो, ये cPanel एक दूसरे प्राइमरी वेबसाइट के नाम पे है। ये यहाँ पे जो स्पेस मिशंस आप देख रहे हो, ये मेरा जो वेबसाइट है यहाँ पे एज अ सेकेंडरी वेबसाइट है। तो अगर आपका प्राइमरी वेबसाइट है और उसमें अगर आपको कोई भी कंटेंट अपलोड करना है cPanel से, तो ऑलवेज रिमेंबर यहाँ पे पब्लिक अंडरस्कोर HTML में आपको क्लिक करना है। लेकिन अगर आपका वो सेकेंडरी वेबसाइट है और उसमें अगर आपको अपलोड करना है, तो आपको वहाँ पे वेबसाइट का नाम ढूंढना है और वेबसाइट का नाम जैसे ही आपको मिल जाएगा उसमें आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो ये मेरा सेकेंडरी वेबसाइट है इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, लेकिन प्राइमरी वेबसाइट होने से आप पब्लिक अंडरस्कोर HTML में कीजिएगा, ओके। तो वेबसाइट का नाम के अंदर जाने के बाद ये जो जगह आपका खुल गया, ये इस वेबसाइट के अंदर क्या क्या कंटेंट है वो रिलेटेड फाइल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे जाके आपको अपलोड करना है। जैसे आप अपलोड में क्लिक करोगे, तो यहाँ पे अपलोड करने के बाद आपको वो वाला फाइल आपके सिस्टम से लेना है, ठीक है। तो मैं डेस्कटॉप में जा रहा हूँ, जहाँ पे मैंने अभी वो फाइल डाउनलोड किया था, ठीक है। ये देख सकते हो साइट मैप, इसको यहाँ पे ओपन कर देना है, ठीक है। ये आप देख सकते हो ये फाइल यहाँ पे अपलोड हो गया, ठीक है। अपलोड करने के बाद अभी हम लोग गूगल को इनवाइट करेंगे कि गूगल हमारे वेबसाइट में आप आओ और आके हमारे वेबसाइट में जो भी हम लोगों ने नया कंटेंट डाला है, नया पोस्ट हम लोगों ने जो भी डाला है, वो आप आपके डेटा बेस में अपडेट करो, सो दैट कभी भी कोई विजिटर आ रहा है गूगल में सर्च कर रहा है अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग, तो गूगल आप मेरा रिजल्ट भी उनको दिखा सको, ठीक है।
ठीक है। तो इसके लिए अभी हम लोग जहाँ पे जाएंगे, इसके लिए अभी हम लोग गूगल सर्च कंसोल ओपन करेंगे, ठीक है। यू नीड टू टाइप गूगल सर्च कंसोल। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, सर्च कंसोल डॉट गूगल पे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल आपका जो जीमेल आईडी है, आपको जीमेल आईडी से यहाँ पे लॉगिन करना है। जैसे आप यहाँ पे लॉगिन कर लेते हो अपने जीमेल आईडी से, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे सर्च कंसोल ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सर्च कंसोल में आप जो अभी देख रहे हो, यहाँ पे जो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि मेरा यहाँ पे अभी भी मैंने कोई वेबसाइट को मैपिंग नहीं किया। जैसे आप एक बार एक वेबसाइट को यहाँ पे मैप कर दोगे तो नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स आपको यहाँ पे उसका डैशबोर्ड ही ओपन होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी भी कोई वेबसाइट ऐड नहीं किया तो मुझे यहाँ पे पहले वेबसाइट ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए दो तरीका है, एक डोमेन है, एक यूआरएल प्रेफिक्स है। मैं यूआरएल प्रेफिक्स से आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे जाके सिंपल आपका जो वेबसाइट का जो नाम है, वेबसाइट का नाम को आपको कॉपी करना पड़ेगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाके आपको इसको पेस्ट करना पड़ेगा और आपको कंटिन्यू में क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप कंटिन्यू में क्लिक करते हो तो ये एक वेरीफाई करने के लिए एक लिंक यहाँ पे जनरेट करेगा, ठीक है। लिंक जनरेट करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे आपको बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पे HTML है, गूगल एनालिटिक्स है, टैग मैनेजर, ठीक है। तो बहुत सारा ऑप्शंस यहाँ पे है। तो हम लोग यहाँ पे अभी जिससे करने वाले वो है HTML टैग। आप इसमें क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे आपको एक कोड मिल जाएगा। सिंपल आपको इस कोड को कॉपी करना है। जैसे कॉपी में क्लिक करोगे ये पूरा कोड क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाएगा और इस कोड को आपके वेबसाइट में जाके पेस्ट करना है। तो वेबसाइट में कहाँ पे पेस्ट करेंगे, आप जो वर्डप्रेस एडमिन आपका खुला है वहाँ पे सबसे पहले आपको एक प्लगइन उतारना है जिसका नाम है योस्ट SEO। सिंपल आपको यहाँ पे ऐड न्यू में क्लिक करना है प्लगइन्स में और यहाँ पे जाके आपको यहाँ पे लिखना है योस्ट SEO। जैसे योस्ट SEO लिखोगे सबसे पहला वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे जो आएगा वही वाला आपको इंस्टॉल करना है। तो आप देख सकते हो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल पहले से किया हुआ है। उसके बाद आपको एक एक्टिवेट ऑप्शन आएगा। तो आप देख सकते हो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे एक्टिव भी दिखा रहा है क्योंकि मैंने इसको पहले से ही अपने वेबसाइट में इंस्टॉल करके रख दिया, ठीक है। इसके बाद ये योस्ट SEO वाला फीचर आपके यहाँ पे जो पैनल है, इस पैनल में आपका जो लेफ्ट पैनल है इसमें आपको आ जाएगा YSEO लिखा हुआ, इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसमें क्लिक करोगे आपको यहाँ पे ऊपर डैशबोर्ड फीचर्स और उसके पास और एक ऑप्शन मिलेगा वेबमास्टर टूल्स, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे सर्च इंजिन्स का नाम आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे हमें चार सर्च इंजिन दिख रहे हैं, जैसे बाइडू, बिंग, गूगल, यानडेस्क। योस्ट SEO का एक बहुत अच्छा फीचर ये है कि अगर आप कोई दूसरा सर्च इंजिन में भी आपका वेबसाइट को इंडेक्स करना चाहते हो, लाइक कोई दूसरा सर्च इंजिन लाइक बाइडू, बिंग या तो यानडेस्क अपार्ट फ्रॉम गूगल, तो ये सारा सर्च इंजिन्स में भी आप योस्ट SEO के थ्रू आप इसको इंडेक्स कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे जाके वो जो कोड हम लोगों ने यहाँ से कॉपी किया था, ये वाला कोड, उसको अभी यहाँ पे जाके हम लोग पेस्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पे पेस्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पे सेव चेंजेस में आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो ये जैसे सेव हो जाता है यहाँ पे सेटिंग सेव, अब आपको उस सर्च कंसोल में जाके यहाँ पे वेरीफाई में क्लिक करना है। अब जैसे आप वेरीफाई में क्लिक करोगे वो चेक करेगा कि वहाँ पे ऑलरेडी ये उस वेबसाइट में कोड पेस्ट हुआ है कि नहीं, ये इंटरनली चेक होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओनरशिप ऑटो वेरीफाइड हो चुका है। अभी आप गो टू प्रॉपर्टी में हम लोग जाएंगे। तो जैसे आप गो टू प्रॉपर्टी में जाओगे आप देखोगे आपके पास यहाँ पे एक डैशबोर्ड खुल जाएगा, ठीक है। जैसे डैशबोर्ड खुल जाता है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक साइट मैप बोल के ऑप्शन है, आपको इस ऑप्शन में क्लिक करना है। हम लोगों ने साइट मैप ऑलरेडी सी पैनल में सबमिट कर दिए थे, यहाँ पे जाके अपलोड, ठीक है। अब यहाँ पे जाके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो आपका वेबसाइट का नाम ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको सिंपल यहाँ पे जाके लिखना है साइट मैप डॉट XML। जैसे आप लिखोगे उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। अब जैसे ये सबमिट कर दोगे ना तो ये साइट मैप सबमिटेड सक्सेसफुली, गूगल विल पीरियोडिकली प्रोसेस इट एंड लुक फॉर चेंजेस, यू विल बी नोटिफाइड इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग विथ इट इन द फ्यूचर। तो इसमें सबसे अच्छा बात यह है कि ये ना हम लोगों को गूगल नोटिफाई कर देगा कि कब हम लोगों के वेबसाइट में वो आया है। अगर कुछ भी वहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है वेबसाइट में आने के बाद, अगर हमारे वेबसाइट में गूगल को कोई भी प्रॉब्लम मिलता है तो वो भी हमें इन्फॉर्म कर देता है, ठीक है।
जब भी आप लोग कोई नया कंटेंट वेबसाइट में डालोगे, हमेशा कंटेंट डालने के बाद, मतलब मान के चलते हैं कि आज मैंने एक नया ब्लॉग डाल दिया, वो ब्लॉग गूगल के डेटाबेस में अपडेट तब होगा जब आप उस साइट उसका साइट मैप बना के लेटेस्ट साइट मैप को cPanel में अपडेट करोगे, और उसके बाद जब आप गूगल को जब आप यहाँ पे इन्फॉर्म करोगे कि आपके वेबसाइट में आने के लिए, उसके बाद ही होगा। तो ये हम लोग इसके थ्रू गूगल को इनवाइट कर दिए हैं। अब गूगल अपने टाइम के हिसाब से हमारे वेबसाइट में आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी कुडेंट फेच दिखा रहा है, डोंट वरी ये आ जाता है, ये कुछ देर में ये सक्सेस दिखा देगा। देखिए आप देख सकते हो मैंने इसको रिफ्रेश किया, इस स्टेटस में सक्सेस दिखा रहे हैं। अब गूगल के क्रॉलर्स जो हैं वो हमारे वेबसाइट में आएंगे, आने के बाद वो चेक करेंगे कि हमारे वेबसाइट में नया क्या डेटा है। अगर उन्हें नया कुछ मिलता है डेफिनेटली दे विल लाइक टेक इट टू देयर डेटा सेंटर्स, और अगर वहाँ पे कुछ भी गलती है जिसको हमें सुधारना चाहिए वो भी हमें वो इन्फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, तो देखा आप लोगों ने कितने आसानी से हम लोग साइट मैप क्रिएशन कर सकते हैं। अगर कभी भी वेबसाइट में आप कोई भी नया कंटेंट डाल रहे हो तो यहाँ पे ये वाला करना ज़रूरी है। अगर आप इसको कर दोगे तो डेफिनेटली गूगल के क्रॉलर आएंगे और वो डेटा लेके वो अपने डेटा सेंटर में अपडेट कर देंगे। तो इसी तरीके से हम लोग अपने वेबसाइट्स को अपडेट रख सकते हैं विथ सर्च इंजिन, सो दैट सर्च इंजिन में कभी भी कोई उस रिलेटेड सर्च करे को हमारा रिजल्ट सर्च रिजल्ट्स में आए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।